नसबंदी ऑपरेशन के बदले हितग्राही को देने पड़ रहे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये नहीं दिए तो ऑपरेशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है हितग्राही को। बीएमओ बोले, मुझे नहीं है जानकारी। खनिया थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं इन दिनों खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र में बस नसबंदी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव से महिलाएं खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रही हैं और उससे उनका ऑपरेशन हो सके। पर दुर्भाग्य यह है कि इस कड़ाके की सर्दी में महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रही हैं, पर ऑपरेशन के पंजीयन के लिए महिलाओं को 1,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। जब ये खबर हमारी टीम को लगी तो हमारी टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया थाना पहुँच कर जानना चाहा तो कई हितग्राही बोलते दिखे कि हमारे से 1,000 रुपये ले लिए हैं और ना तो पंजीयन हुआ और ना ही ऑपरेशन हुआ और 6 दिन से यही डले हैं, जबकि इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जब इस संबंध में खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ नारायण सिंह कुशवाहा से जानकारी ली तो उनका कहना था कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है। फिर जैसे ही खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को मामला संज्ञान में लाया गया तो तत्काल उक्त कर्मचारी को बुलाकर मामला समझा तो उक्त कर्मचारी डिफॉल्ट पाया गया और उक्त कर्मचारी के लिए वहां से हटकर अन्य दूसरी जगह कार्य करने के लिए दायित्व सौंपा गया। अब इससे समझ आता है कि अभी तक खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र में करीब 6 कैंप लग चुके हैं और उन 6 कैंपों का प्रभारी उक्त कर्मचारी को ही बनाया गया था। तो उक्त कर्मचारी ने ऑपरेशन की आवाज़ में हितग्राहियों से कितने रुपए ऐठे होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। खनिया थाना से संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या क्या बात है, क्यों आई अस्पताल में? ऑपरेशन करवा। फिर क्या हुआ? सर हुआ ऑपरेशन? नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? नहीं ये बोल रहा है कहीं नहीं हो पा रहा ऑपरेशन। कितने दिन से हो आप यहाँ पे? यहाँ पे हम तो रात के आए, कल के आए हैं। क्या नाम भैया? मुकेश। ये हॉस्पिटल में क्यों आए हो आज? ऑपरेशन के लिए आए। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर? 6 दिन के लिए। 6 दिन हो गए? 6 दिन। तो ऑपरेशन हो गया आपका? नहीं हुआ। किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है? बच्चा जो बच्चे बंद होने का ऑपरेशन करवाया। अच्छा, ये खनिया थाना हॉस्पिटल में? तो ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? सब बिन्द जी बोला था कि रात रुकना, रात के समय में कल 1,000 रुपये लगेंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, हम दे देंगे ऑपरेशन। यार हमें तो मंजूर है, हम तो। तो आपने पैसे दे दिए? हाँ, पैसे दे दी। दे दिए? दे दी। तो अभी हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। अभी पर्ची भाई, अभी आप जांच भी हो रही मानसन की, लेकिन हमारी तो पर्ची ही सुनता नहीं है ना, जांच नहीं है। ऐसा आरोप लगाया गया कि 1,000 रुपए लेके नंबर लगाए जा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना है आपका इस संबंध? अभी तक ऐसी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी शिकायत आई है तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ क्या है। अभी आपने बताया ये चीज़ मुझे, किसी हितग्राही ने आके मेरे से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की अभी तक। बताया जा रहा है कि ये जो हितग्राही आए हैं ऑपरेशन कराने के लिए, वो करीब 6 दिन से यहीं पड़े हुए हैं। नहीं, 6 दिन से तो कोई नहीं पड़ा हुआ है। अभी जो नाइट में कुछ लोग आ गए थे, तो हो सकता कल से हो, लेकिन 6 दिन से कोई नहीं है। मैं क्या कल से यहीं पे था, मतलब हॉस्पिटल में 6 दिन से कोई भी ऐसा हितग्राही नहीं है, ना कोई ऐसी अपन को कंप्लेंट मिली है कि आप हम 6 दिन से पड़े हुए हैं। अगर छह का कहना है कि आपने कोई किसी को यहाँ पे इस काम में फिक्स किया है कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है, क्या है? नहीं, ऐसा कोई, ये गलत आरोप है। जो भी कोई हितग्राही आपसे बोल रहा है ये गलत है।